हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना नॉन होमोजेनियस की दोनों टाइप्स को कंप्लीट कर दिया था। पहले आप वो देख लीजिए, फिर इस टॉपिक पे आइएगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में आता है। आपको ग्रेजुएशन में आएगा इसके ऊपर से एक क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, और यही वो टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी ट्वेल्थ में भी डिस्कस किया, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कोई भी, ठीक है, क्योंकि आपने ट्वेल्थ में ऑलरेडी पढ़ा। हाँ, इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो ट्वेल्थ वाले नहीं है, ट्वेल्थ वाला यही है लास्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हो और जो उसका डिफरेंशियल हो वो आपको फर्स्ट, उसकी जो डिग्री है वो फर्स्ट ही दिखेगी, है ना, उसकी जो डिग्री है वो क्या दिखेगी, फर्स्ट दिखेगी। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिफरेंशियल है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं आपको लैंग्वेज बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल से। तो सबसे पहले क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल, यही बताया ना मैंने आपको, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकर इन फर्स्ट डिग्री, इनकी डिग्री कितनी होगी, फर्स्ट, और वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे आपस में, नॉट मल्टीप्लाई टूगेदर। इसका मीनिंग क्या, पहले वो समझते हैं, है ना। देखो, मैंने आपको फर्स्ट दिन ही बताया था इसमें जो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि वाई किस पे डिपेंड है, फंक्शन एक्स पे, और तभी वाई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही है। तो अभी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वाई। तो बोल रहे हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल है वो कौन है, डी वाई बाई डी एक्स, इसकी डिग्री वन होनी चाहिए। डिग्री वन का मतलब है कि जो पावर है वो हमेशा इसकी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, टू नहीं हो सकती, फिर लीनियर नहीं है। तो डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है, वाई, और डिफरेंशियल कौन है, डी वाई बाई डी एक्स। दो चीजें है ना, ये देखो, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका डिफरेंशियल कौन है, डी वाई बाई डी एक्स, और इनका आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ऐसे मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में हम इसको इस तरीके से करते थे। वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो किस फॉर्म में होती है, डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अभी भी ऐसे ही करना है, मगर अभी ग्रेजुएशन थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल कभी अपने डिफरेंशियल के साथ मल्टीप्लाई में हुआ करता था, कभी नहीं होता था, तो वही लिखे है, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। और फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिफरेंशियल है, इन दोनों की डिग्री क्या होगी, वन होगी, इसकी डिग्री भी वन और उसकी डिग्री भी क्या होगी, वन होगी। तो फिर मैं बोल लूंगा ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल रहा है इसमें, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आप क्या बोल रहा हुआ है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, जो उसका क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, वो फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए और आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट डिग्री का मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी पावर वन ही होनी चाहिए और कुछ नहीं होगा, तो फर्स्ट डिग्री है। और आपस में मल्टीप्लाई होने का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट डिग्री का ये भी मतलब है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है भाई, ये स्केयर भी नहीं होना चाहिए, मतलब पूरे क्वेश्चन में कभी अगर ऐसा आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव वाई स्केयर इज इक्वल टू सेवन, तो ये नहीं है लीनियर, क्योंकि इधर इसकी पावर कितनी आ गई, टू आ गई। ये इसकी पावर भी, इस वाई की पावर भी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, इसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, वाई और डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए। आई होप आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग समझ गए होंगे, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे पहचानेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की पावर वन होगी, वाई की पावर भी क्या होगी, वन होगी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब बात आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी फॉर्म देखनी पड़ेगी। तो लीनियर इक्वेशन की, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से है। जनरल फॉर्म किस तरीके से है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। अब इस जो जनरल फॉर्म है, अगर आप जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हो, तो जो ये आपका पी और क्यू है वो इस केस में फंक्शन होगा एक्स का, पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, P और Q किसके फंक्शंस होंगे, X के। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तो मैं आपको समझाता हूं। अभी जो Y है उसकी डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू X, मतलब Y आपको कुछ दिया हुआ है और आप उसकी क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो,
है ना, जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो जो फंक्शन है वो तो एक्स में ही होगा ना, इसलिए जो पी पी और क्यू है या तो कॉन्स्टेंट होंगे या तो फंक्शन होंगे एक्स के, या तो ये होंगे कॉन्स्टेंट्स या तो फंक्शन होंगे एक्स के। कैसे पहचानना है फंक्शन एक्स के, नीचे जो है अगर नीचे एक्स है तो एक्स के फंक्शन है और अगर नीचे वाई है तो वाई के फंक्शन है। आई होप आप समझ रहे होंगे। वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक वो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूं, तो आप उसको भी ध्यान से देखना। वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मगर अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक छोटा सा डिफरेंस आ गया। बता सकते हो क्या डिफरेंस आया? कि अब ये विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है तो इसका मतलब है इस केस में जो एक्स है वो किस पे डिपेंड है? वाई पे। तो एक्स इस पे डिपेंडेंट है और वाई इनडिपेंडेंट है, बस इतना सा फर्क आ गया। जब इतना फर्क आ गया तो वेरिएबल नीचे वाई है, तो मैं बोलूंगा जो पी और क्यू इस केस में है वो किसके फंक्शन है? वो या तो कॉन्स्टेंट है, या तो अगर वो फंक्शंस होंगे तो वो किसके फंक्शंस होंगे? वाई के। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो ये दोनों जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आप दोनों फॉर्म्स को स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो दोनों फॉर्म में आप देख सकते हो इसमें जो डिफरेंशियल है dy by dx उसकी पावर कितनी है 1, इधर dx by dy की डिफरेंशियल की पावर कितनी है 1, इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है x, इधर डिफरेंशियल कौन है dx by dy, दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, सॉरी इधर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है y, और इधर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है dy by dx, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो यही हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, ठीक है? तो ये आपने 12th में भी पढ़ा था, आपने डायरेक्ट पढ़ा था कि ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो अब हम देखेंगे इनको सॉल्व कैसे करना है। तो जो पहली टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास आता है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू, ये आपके पास ये टाइप आती है, तो सबसे पहले आपको if निकालना। if होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फंक्शन होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ही डिफरेंशिएट होता है। थोड़ी सी आगे हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी नीड नहीं है, अभी जितनी नीड है मैं आपको उतना बता रहा हूं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये फॉर्मूला होगा। अब मैंने डी एक्स क्यों लिखा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट हो रही है, ठीक है? जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो इस केस का सोल्यूशन क्या आ जाएगा वो आप लिख लो। इस केस का सोल्यूशन आएगा ये वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बच्चों को इधर कंफ्यूजन होती है, मैं dx लगाऊं या dy, तो आपने देखा है नीचे क्या है dx, तो आपको इधर भी क्या लगाना है dx और प्लस क्या कर देना c। तो ये इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है फर्स्ट टाइप का, ठीक है? अब मैं आपको सेकंड टाइप का सोल्यूशन बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेकंड टाइप आपके पास क्या है, टाइप नंबर टू। टाइप नंबर टू है आपके पास, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dx by dy plus px is equal to q, अभी भी आपको क्या निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर p। अब मुद्दा आता है कि dx लगाओगे dy, तो आपने इधर बेस में देखना है तो क्या लगाना है dy, तो इधर आपको if ऐसे निकालना है इस केस में, ठीक है? फिर इसका भी सोल्यूशन है सेम इसी तरीके से, मगर फर्क क्या है, अभी आपका जो फंक्शन है x वो बेसिकली अभी डिपेंडेंट है, तो इधर क्या लिखते हैं डिपेंडेंट, तो अभी लिखना है x into if, उधर y into if, ठीक है? इधर क्या आ जाएगा q into if, q बेसिकली क्या है इस साइड वाला, ठीक है? और साथ में क्या लगाना, अगर आपको भूल जाए तो आप बेस देखना है, बेस क्या है dy, तो अब लगना है dy और ये प्लस c। तो इस तरीके से आपको इस वाली का सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले आप कॉपीज पे नोट डाउन कर लो, ये दोनों चीजें कॉपीज पे क्या कर लो, नोट कर लो, इनको समझ लो, इनको याद रख लो, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अब हम इसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी बुक से उठा रहा हूं और ये आपका जम्मू यूनिवर्सिटी में 2013 के एग्जाम में आया हुआ है। कब आया हुआ है? जम्मू यूनिवर्सिटी के 2013 में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व। पेपर में हमेशा यही आया करेगा आपको सॉल्व, वो फिर आपको खुद पता करना है कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्वेश्चन है सॉल्व डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई कॉट एक्स, टू वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स।
तो ये क्वेश्चन है, और ये आपका कब आया हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपका आया हुआ है 2013 में, जम्मू यूनिवर्सिटी के 2013 के एग्जाम में। तो सबसे पहले आप इसको पहचानोगे कि लीनियर है या नहीं है, ठीक है। तो लीनियर के लिए क्या है, इसकी पावर वन, पावर वन है, वाई की पावर वन, वन है। वाई क्यों चेक किया, क्योंकि अभी वाई के रिस्पेक्ट हो रही है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, तो वाई चेक करना है। क्या वाई और ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले आप समझ लो, लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या आ जाएगी आपके पास, dy by dx प्लस, अब आपको पता है जब dy by dx है तो p into y आता है, तो आप y को अलग कर दो, 2 cot x into y is equal to cos x। अब आपने इसको कंपैरिजन करना है, ऑन कंपेयरिंग विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, यहां से लिख दो विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये आपको इस फॉर्म में दिख रहा है। और जब आप इस फॉर्म को आगे ध्यान से देखो तो आपको इधर पी क्या दिख रहा है, टू कॉट एक्स, और क्या हो गया दिख रहा है, कॉस एक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर एक स्टेप और लिखना, दिस इंप्लाइज इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, पी और क्यू आपने फाइंड कर लिया, तो मैंने आपको बोला था क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e की पावर p dx, अगर dx भूल जाओ तो इधर देखना बेस में क्या है, dx है तो dx लगाया, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर p, p कितना है, ट्वाइस cot x, ठीक है। अब इसको और सिंपलीफाई करना चाहेंगे तो e 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसकी, cot x की। cot x को अगर बेसिकली देखा जाए स्टूडेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos x by sin x, और साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस होती है, तो इसलिए इसका बनता है लॉग ऑफ साइन एक्स, तो टू लॉग ऑफ साइन एक्स। और आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग एम की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, लॉग एम की पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एम, तो ये ऊपर चल गया और ऊपर से आप नीचे भी ला सकते हो। आपको पता है जब एक्सपोनेंशियल लॉग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बेसिकली कैंसिल हो जाते हैं, और इधर आपको मिल जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आई एफ आ जाएगा इस क्वेश्चन का। जब आपके पास if आ गया तो therefore its solution is, solution का निकालेंगे, solution का formula क्या बताया इस केस में मैंने आपको, y into if formula पूरा लिखना पड़ेगा, integration q into if, और साथ में क्या लगाएंगे, dx, और साथ में कर देंगे plus c, y को as it रखेंगे, if कितना है, sin x का whole square, तो sin x का whole square, q आपका इधर cos x था, ठीक है, और if कितना है आपका, sin x का whole square into dx plus c। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो sin x के whole square को लिख सकते हो sin square x। अब ध्यान से देखो, sin x के whole square को मैंने साथ में लिख दिया, और साथ में क्या है, cos x dx, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है वो, कि अगर ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और मल्टीप्लाई में उसका एग्जैक्ट फंक्शन है, ठीक है, मतलब अगर ये फंक्शन कोई भी है, जैसे ये फंक्शन साइन एक्स है और मल्टीप्लाई में उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब साइन की डिफरेंशिएशन करके ये पूरा आना चाहिए, तो आ रहा है, साइन की डिफरेंशिएशन क्या आ रही है, कॉस एक्स डी एक्स, तो ये कुछ फॉर्मूला ऐसा नहीं बन गया, ये फंक्शन है एक्स और एक्स की डिफरेंशिएशन कौन आ रही है, डी एक्स आ रही है, तो हम क्या करते हैं, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो अभी भी वही कर रहा हूँ, ठीक है। ट्वेल्थ में आपने यही क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से किया है, तो अब वो सब्स्टिट्यूशन नहीं मैं लगा रहा, मैं कंसेप्ट लगा रहा हूँ, तो ये फंक्शन मल्टीप्लाई में उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देना है, तो जैसे ही मैं फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ग्रेजुएशन आप कर सकते हो, फंक्शन साथ में उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो ये आ गया। अब और सॉल्व करना हो तो क्या कर सकते हैं, वाई, अब साइन स्क्वायर इससे डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 अपॉन साइन स्केयर एक्स प्लस सी अपॉन साइन स्केयर एक्स, ठीक है। साइन साइन कैंसिल हो गया तो कितना बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया आपका साइन एक्स बाय 3, ऐसे साइन स्केयर स्केयर कर गया साइन एक्स बाय 3, और सी वैसे ही रहा, साइन स्केयर ऊपर चला गया तो वो कितना बन गया, कोसेक स्केयर एक्स,
तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया आपकी पहले क्वेश्चन का, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका आपका जनरल सोल्यूशन आ गया, और वो आपको लिखना है कॉमा वेयर सी इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर इधर नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में ऑलरेडी सी होता था, मतलब पिछले क्वेश्चनों में लिखना पड़ेगा। जब मैंने आपको सोल्यूशन पढ़ाई वाले, तो इसमें ऑलरेडी सी है, तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व हुआ है, ये आपका जम्मू यूनिवर्सिटी में 2013 के एग्जाम में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में है तो वो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2015 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन क्या है, डीवाई बाई डी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब, ये आया हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी के 2015 के एग्जाम में। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे पहचानना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप देखोगे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, तो वाई और ये इकट्ठे मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं दिख रही है, वाई बिल्कुल लग गया। दूसरी बात, ये जो इसकी पावर है वो वन होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें ट्वेल्थ में पता था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, तो इसमें कोई नई बात क्या है, तो आगे आने वाले क्वेश्चन में वो खुद अपने आप नई बात दिख जाएगी, जब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया होगा तो ऐसे ही हम चेक करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जब हम इसका कंपेरिजन कर लेंगे तो आप लैंग्वेज अब देख लेना, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज लिख दी, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, आप लैंग्वेज खुद से कर लेना। ऑन कंपेयरिंग विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो आपके पास p कितना आ रहा है, माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, क्योंकि जो जनरल फॉर्म होती है उसमें इधर क्या होता है प्लस, मगर इधर क्या है माइनस, तो आपका माइनस आएगा, ठीक है। p आपके पास ये आ गया, क्यू मेरे पास क्या आ रहा है एक्स प्लस वन का होल क्यूब, तो क्यू भी आ गया p भी आ गया। अब आपको मैंने क्या बताया, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e की पावर p इंटीग्रेशन p dx, ये कितना आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन dx, और ये कितना आ जाएगा e की पावर माइनस टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन dx। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ जाएगा e की पावर माइनस टू dx अपॉन एक्स प्लस वन। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका क्या है एग्जैक्ट डेरिवेटिव, और आपको मैंने बताया नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो तो क्या आता है लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन। फिर वही कंसेप्ट जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया, तो ये जो माइनस टू है ये पावर में आ जाएगा, तो माइनस टू आ गया, ई और लॉग कट गया, तो आ गया एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू, और एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू को लिखते हैं वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स आपका आ गया आई एफ। आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आ रहा हो, आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने आई एफ निकाल दिया तो आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज, सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, y into if is equal to q into if into dx plus c, तो y तो वैसे ही रखा, if कितना आ रहा है 1 upon 1 plus x का या x plus 1 का whole square, एक ही बात है। q कितने इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में q था आपका x plus 1 का whole cube, आप देख सकते हो x plus 1 का whole cube, और if मेरा कितना आया 1 upon x plus 1 का whole square, और साथ में यह dx, और बड़ी दूर आपने साइड पे लिखना है c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया y upon x प्लस वन का होल स्केयर, और सिंप्लीफाई करेंगे ये स्केयर और ये कट गया, एक ही रह गया आपके पास x प्लस वन, और साथ में रह गया dx, और साथ में रह गया प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया y अपॉन x प्लस वन का होल स्केयर, ये x की इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्केयर बाई टू, वन की इंटीग्रेशन करेंगे तो x, और साथ में आएगा प्लस c, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का जो आपका 2015 में आया होगा, तो काफी इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी कंसेप्ट ऑफ ट्वेल्थ में पढ़ के आए हो, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब भी कोशिश कर रहा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो मैं आपको करवा रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, वो आपका 2015 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस वन, एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस वन
डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका जम्मू यूनिवर्सिटी में 2015 में आया होगा, ठीक है। तो फिर आपने पहचानना है, आपने पावर देखी वन और वाई और ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाओगे? मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को वैसे रखा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये वाई, और उधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, सबको मैंने किससे डिवाइड किया, इस टर्म से। तो जब इस टर्म को मैंने इसी टर्म से डिवाइड किया तो वन आया, इस टर्म को इससे डिवाइड किया तो आपके सामने, इस टर्म को उससे डिवाइड किया तो ये भी आपके सामने। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स और एक्स कट गया, तो इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स और एक्स कट गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स और ये कट गया, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और साथ में क्या है वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन स्टूडेंट कट गया, तो इधर कितना आ गया, वन बाई एक्स स्क्वायर। अब अगर आपने ध्यान से समझा तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इधर ये आपका क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स, एक इस फॉर्म में आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में क्या आ गया, पी इंटू वाई, और साथ में क्या आ गया क्यू, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें जो पी आपका आ रहा है वो बेसिकली क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जो आपका स्टूडेंट्स क्यू आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है वन बाई एक्स स्क्वायर। आई होप आप इधर तक समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब मैंने आपको कल भी बताया, बार बार बता रहा हूँ, ऊपर डिग्री टू है, नीचे डिग्री थ्री है, तो ऊपर की डिग्री कम नीचे की डिग्री ज्यादा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सॉल्व हो जाती है। ट्वेल्थ क्लास में आप ये वाला कंसेप्ट करते थे पार्शियल फ्रैक्शन से, किससे करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन से। मगर मैं अभी आपको एक और कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, वैसे भी कर सकते हो। देखो ये एक्स को वैसे रखा, एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब क्या किया, अब हम करते थे, आपको याद होगा हम इसको ऐसे करते थे, इस पूरी टर्म को क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इसको किसके इक्वल ऐड करते थे, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन, फिर सॉल्व करते थे, ठीक है। मैं भी वही कर रहा हूं मगर मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, आप सीख लो इसको, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, अब आपको पता है ये तीन फ्रैक्शंस में बनता है, तो पहला जो x है वो वैसे लिख देना है, दूसरे में x माइनस वन वैसे लिख देना है, तीसरे में x प्लस वन वैसे लिख देना है। अब देखना है ये जीरो किस पे बनता है, ये जीरो बनता है जीरो पे, जब x को मैं जीरो डालूं तो ये जीरो बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो जीरो है उसको इधर ही डालना है, बाकी जितना भी बच गया उस सब में x की जगह क्या डाल देना, जीरो, तो बन जाएगा जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन, और इधर बन जाएगा जीरो प्लस वन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर क्या, फिर दोबारा बताता हूं मैं, एक मिनट, क्या किया मैंने, दोबारा से सुनो, मैंने बोला इसके, इसमें ये जीरो कब बन रहा है, ये टर्म जीरो कब बन रही है, जब एक्स को जीरो डालूंगा, तो आपने क्या करना है, एक्स जब जीरो डालूंगा तब ये जीरो बन जाएगी, तो जीरो इधर ही डालना है, बाकी जितना भी बच गया उसमें एक्स की प्लेस में जीरो डाल देना है और वो इसके ऊपर लिख देना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, एक बार और बताता हूं, ठीक है। अब इसकी टर्न, अब स्टूडेंट्स ये जीरो कब बनेगा, जब एक्स को वन डालूंगा, जब एक्स को वन डालूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, तो आपने वन लेना है, इसमें वन नहीं डालना है, बाकी जितने दिख रहे हैं एक्स उसमें एक्स की जगह वन डालना है, तो वन प्लस वन बन जाएगा, इधर मैं वन डालूंगा, इधर वन प्लस वन, ठीक है। फिर सुनो थर्ड वाले के लिए, आपको देखना है कि ये जीरो किस पे बन रहा है, तो ये जीरो किस पे बन रहा है, माइनस वन पे, अब इसमें माइनस वन नहीं डालना है, बाकी जितना बच रहा है उस समय एक्स की जगह क्या डाल देना, माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन प्लस वन, माइनस वन डाला तो ये माइनस वन रहेगा, माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू। आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैंने देखा ये जीरो पे बन रहा है जीरो, ठीक है, तो इधर जीरो नहीं डाला, बाकी जितने एक्स है उसमें क्या डाल दिया, जीरो, इधर से वन निकलता है तो इधर वन नहीं डाला, इसमें इसमें और इसमें क्या डाल दिया, वन, इधर से माइनस वन निकलता है तो इधर माइनस वन डाला, बाकी सब में क्या डाल दिया, माइनस वन, ठीक है। अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, कल मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है।
तो उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जल्दी से खत्म हो गया, वो इतने लेंथी स्टेप नहीं करने पड़े। अब इसको सॉल्व करो, वन अपॉन माइनस वन तो कितना आता है माइनस वन, वन प्लस वन टू, टू 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 कट गए तो अभी आ रहा है वन, ठीक है, ये टू और ये टू कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ रहा है प्लस वन, तो ऐसे आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ऊपर वन आ रहा है, नीचे माइनस वन, तो माइनस वन, ये टू और ये टू कट गया तो वन आ रहा है, ये टू और ये टू कट गया तो पीछे बचा माइनस वन, माइनस वन माइनस वन कितना होता है प्लस वन, तो आपने सॉल्व कर दिया, ये पी निकल गया आपका। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको स्टूडेंट्स आई एफ निकालना है, और आई एफ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ई की पावर पी डी एक्स, तो ई की पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन कर लो माइनस वन बाई एक्स की, ठीक है, प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन की, प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स की। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन, क्योंकि सबका नीचे फंक्शन ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव है, तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर लॉग वाले को इकट्ठा कर लेंगे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ई की पावर लॉग एक्स की पावर माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन। अब सबके बीच में प्लस है तो जो लॉग के अंदर जो भी टर्म्स है वो मल्टीप्लाई में चल जाएंगी, तो कितना आ गया एक्स की पावर माइनस वन, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है, ई और लॉग कैंसिल हो जाते हैं, तो बचा गया एक्स की पावर माइनस वन, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जो ये एक्स की पावर माइनस वन है वो बेस में आ जाएगा, तो आपका आई एफ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। तो ये आपका इस क्वेश्चन में आई एफ आ गया, ठीक है, यही मेन गेम है इंटीग्रेशन करने की, यही आपको समझनी है। अगर आपने ये समझ ली तो ये सेमेस्टर काफी इजी है, ठीक है। तो जब आपने आई एफ निकाल दिया, अब मैं बोलूंगा देयर फॉर इट्स सोल्यूशन, तो चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। देयर फॉर इट्स सोल्यूशन इज वाई इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, तो ये आ गया। y को वैसे रखा, आई एफ आपका कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स, क्या वो आपका क्या था, क्या वो हमारा इस क्वेश्चन में क्या था, मैंने ऊपर लिखा था वन अपॉन एक्स स्क्वायर था शायद, है ना, क्या वो इस क्वेश्चन में क्या था वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या वो की वैल्यू वही डालूंगा, डाला वन बाई एक्स स्क्वायर, आई एफ क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स, तो ये आपका आई एफ आया, साथ में लिखा डी एक्स और साथ में कर दिया प्लस सी। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब आपको मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया न्यूमिरेटर में दो टर्म्स हो डिनोमिनेटर में एक टर्म हो तो वो सेपरेट हो जाता है, तो हम वही कंसेप्ट लगा रहे हैं, इधर आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, इधर मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, जब इन दोनों को सेपरेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब आया, और जब अगली टर्म को सेपरेट किया तो आया माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू आया डी एक्स प्लस आ गया साथ में सी। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कितना आता है वन बाई एक्स, और ये कितना आ रहा है माइनस, पावर ऊपर चलेगी माइनस थ्री डी एक्स प्लस सी। अब आपको सिर्फ स्टूडेंट सिंपली इंटीग्रेशन करना है, इधर कितना आ गया वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, इधर वन बाई एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है लॉग एक्स माइनस, पावर में एक ऐड कर दूंगा माइनस टू, और वही सेम चीज नीचे लिखनी होती है प्लस लगाना है सी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर, दिस सिंप्लीफाई लगाते जाना आपको, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस, और एक्स स्क्वायर आ गया नीचे वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आपका सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। इसके अंदर एक कंसेप्ट यूज हुआ पार्शियल फ्रैक्शन का, जो हमने ट्वेल्थ में ऑलरेडी भी किया हुआ था, और मैंने आपको आज ट्रिक बताई वो आप दोबारा सुन लेना आराम से, आपको समझ आ जाएगा। एक बार मैं बुक के ऊपर आपका आंसर कंफर्म कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन, हाँ बिल्कुल यही आंसर है। तो ऐसे करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप के ऊपर क्वेश्चंस। तो जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही शायद क्वेश्चन लाऊं, उसके बाद हम आ जाएंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां से आपका नया स्टार्ट हो जाएगा जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ना है। ये ऑलरेडी जो अभी तक हमने पढ़ा बस एक नॉन होमोजीनियस आपने ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा था, बाकी ऑलमोस्ट सारा आपने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है।
तो आई होप आपको इस लेक्चर में जो मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करवाया और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेजेस में और लोगों को बताइए ताकि जो हमारे चैनल के ऊपर से लोग मैथ पढ़ पाए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।